गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग ने पिछली क्लास में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़ा था। आज हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएफ पढ़ेंगे डिवीजन मेथड से। भाई डिवीजन मेथड क्या होता है? डिवीजन नाम से ही पता चल रहा है कि क्या करना है, डिवाइड करना है। अब बात करते हैं कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एचसीएफ की। तो एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा डिवीजन मेथड? सबसे पहले तो आप समझिए कि एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन आपको मैम ने पढ़ाया होगा, मैं डिवीजन पढ़ा दूंगा। डिवीजन क्या होता है? इजी मेथड होता है, डायरेक्ट सॉल्यूशन आता है उससे। तो समझिए कैसे होगा। पहले हम लोग बात करते हैं कि कैसे निकालना है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 24 एंड 12 दो डिजिट्स दे रखे हैं। बोला जाता है आपको कि इनका जो है आप एच सी एफ निकाल कर बताइए क्या होगा। तो एच सी एफ कैसे निकलेगा? सिंपल है। क्या करेंगे? सबसे पहले जो छोटा डिजिट होता है उसको डिवीजन के इस साइड लिखा जाता है, जो बड़ा डिजिट होता है उसको इधर अंदर लिखा जाता है। आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करना चालू करेंगे। बहुत ईजी है। 12 टू ज़ा कितना होता है? 24। ये क्या हो गया? अब भाई ये तो पहले ही क्या हो गया, जीरो हो गया है। तो जो कॉमन फैक्टर निकाला जाता है इसमें कि एच सी एफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में, तो भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 12 है। जो इधर साइड होता है उसी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाता है। ये थोड़ा क्वेश्चन आपको कम समझ में आया होगा, तो मैं एक और क्वेश्चन लूंगा आपके लिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है वो। जैसे ले लेते हैं हम लोग कि आप 12 एंड 72 ले लीजिए। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, है ना? इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 12 जैसे बाहर लेंगे, पहले स्मॉल डिजिट बाहर लिया जाता है, 72 अंदर लेंगे। लेकिन ये क्या होगा, ये भी वन टाइम ही क्या हुआ, चला गया। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जीरो रिमाइंडर आ गया। तो ये भी क्या हो गया, इसका एच सी एफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसमें समझिए, HCF, find the HCF of number 3 and 72. Don't take 72, we will take 109. This question we will take like this. 109 और 3 में क्या highest common factor है? हम लोग क्या करेंगे, पहले small digits मैंने बोला ना बाहर लिखना है, 3 bracket बना देना है, 109 ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे करना है, 3 3 9, कितना बचा यहाँ पे, 1 और 19 सेम। अब देखिए जैसे यहाँ पे 3 लिख रखा है, यहाँ पे 19 दे रखा है। अब आपने जैसे यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 6 18, वन मोर टाइम्स विल ट्राई एंड दिस विल, क्या रिमाइंडर आया यहाँ पे, 1। अब हम लोग ये 3 जो यहाँ पे 3 था वो यहाँ पे जाएगा और फिर ये दोबारा से डिवाइड होगा, यानी 1 3 3। जिस भी डिजिट से डिवाइड करने के बाद जीरो रिमाइंडर आएगा वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी 1 ही इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। मींस 3 और 109 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं ये वाला प्रोसेस। ये डिवीजन मेथड है। आप लोग को मैम ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया होगा, लेकिन मैं आप लोग को डिवीजन भी बता दे रहा हूँ, जिससे क्या होगा, ये एक ईजी मेथड है, इजिली सॉल्व आप इसको कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन भी है, बट वो टाइम टेकिंग है, उसमें आपको बार बार प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, उसमें सिलेक्शन करना पड़ता है कि क्या है प्राइम फैक्टर। यहाँ पे क्या है, आपको कोई भी सिलेक्शन नहीं करना है, बस डिवाइड करते जाना है, जो लास्ट नंबर से जीरो आया था उसी को क्या बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहीं पे बात करते हैं अगर कि एक और क्वेश्चन ले लिया जाए, 42 एंड 94, ऐसा क्वेश्चन कोई है, तो हम लोग अगर इसमें से एचसीएफ निकालना है, व्हाट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फिर से हम लोग वही प्रोसेस चालू करेंगे। छोटा वाला नंबर इधर बाहर, अंदर लेंगे 94, डिवाइड करेंगे 42 को, कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स लेंगे पहले, जीरो, यहां पे 1, फिर इस 42 को मैंने बताया था ना यहां अंदर लेना है वापस, तो यहां अंदर करेंगे और फिर 10 4 40 होता है, कितने टाइम्स गया, 4 टाइम्स, यहां पे क्या आया, 2। अब इस 2 से फिर 10 को मैंने बोला था ये अंदर इधर आएगा, 2 5 10, रिमाइंडर क्या आया, किसके डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आया, 0, 2 से, तो 2 क्या हो गया इसका, HCF हो गया। HCF क्या हो गया, 2 हो गया। तो आप लोग को ये क्वेश्चन मेथड समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एक और प्रोसेस, LCM, LCM by division method कैसे होगा।
आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे रखा है 9, 27 एंड 81, तो डिवीजन मेथड में एलसीएम कैसे निकाला जाएगा, समझिए आप लोग। 9, हाउ यू विल टेक आउट द एलसीएम ऑफ नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। क्या करेंगे, पहले ऐसे जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वैसे एक प्रोसेस बना लेना है, फिर ऐसे लाइन बनानी है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले इसका प्राइम नंबर कौन सा ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। 3 से पहले सॉल्व करना चालू करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 3 27 ज़ा 81। फिर से हम लोग एक लाइन बनाएंगे, इसको फिर आगे फर्दर लेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27। फिर एक प्रोसेस है 3 1 ज़ा, ये 1 अब ऐसे उतरता चला जाएगा नीचे, जैसे आएगा इसको नीचे नीचे लिखते जाएंगे। यहाँ पे भी क्या 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे वापस ये 1 सेम ऐसे आएगा 3 1 ज़ा 3, तो कितना हो गया 3 3 3। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 टाइम 3 आया है, तो एलसीएम इस इन नंबर से क्या हो जाएगा, एलसीएम इनको कैसे निकालेंगे, इन जो चारों तीन है यानी जो 4 टाइम 3 आए इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, यानी 81 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, 81 ही इसका क्या हो गया, एलसीएम। इसी तरह एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, फोर फिफ्टीन एंड 18। एक क्वेश्चन ऐसा ले रहे हैं, आप लोग देखिए 4 15 एंड 81 एलसीएम इसका लेंगे, 2 से पहले ले जाते हैं, 2 2 ज़ा 4। अब 2 के टेबल में 15 आता नहीं है तो इसको नहीं करना है, हम लोग इसको एज इट इज लिख लेंगे जैसा ये लिखा हुआ है। अब लेकिन 18 आता है तो 2 9 ज़ा 18, अभी भी 2 बचा हुआ है तो इसलिए अभी 2 को ही लेके चलेंगे, 2 1 ज़ा 2। 15 2 के टेबल में आता है, नहीं आता, इसलिए 15 एज इट इज। 9 2 के टेबल में आता है, नहीं आता है, एज इट इज। फिर नीचे आएंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 के टेबल लेके चलते हैं, तो 3 1 जैसे थे वैसे ही आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9। पहले अभी 3 बचा हुआ है वैसे ही 3 लिखेंगे, 5 एज इट इज उतार देंगे क्योंकि 5 3 के टेबल में नहीं आता है, 3 1 ज़ा 3, और अब 5 1 ज़ा 5। तो नीचे जब 1 1 आ जाएगा मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एलसीएम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, 45 2 ज़ा 19, 19 2 ज़ा 180, यानी 180 क्या हो गया, एलसीएम हो गया इन तीनों नंबर्स का। सो स्टूडेंट्स, आप लोग को मैंने इतने क्वेश्चन कराए हैं, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा, ये रिवीजन के तौर पे आप इसको ले लेते हैं, एमसीक्यू में इसका बहुत अच्छा यूज़ है, बहुत जल्दी इससे क्वेश्चन होते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, कोई क्वेरीज हैं तो आप लोग इसमें पूछ सकते हैं।